हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमा वलेराय और मैं न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइज़र हूँ। आज मैं आपको अनार यानी कि पॉमग्रेनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा, टेस्टी, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस फ्रूट है। ये मोस्टली 12 महीना अवेलेबल रहता है, लेकिन बारिश के सीज़नों में ये ज़्यादा सस्ता और अच्छा मिलता है। अनार में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, पोटाशियम, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन्स रहता है। अनार में फ्लेवोनॉइड्स यानी के फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल रहता है। वो कैंसर सेल्स को नष्ट करने का काम करता है। ये प्रोस्टेट, लंग, स्किन और ब्रेस्ट कैंसर में हेल्पफुल होता है। वो रिच इन आयरन रहता है, इसकी वजह से एचबी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। विटामिन सी होने की वजह से इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचाता है और WBC बढ़ाता है। गले के दर्द में आराम देता है और टॉन्सिल में हेल्प करता है। अनार ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। वो दांतों की सड़न को रोकता है और बेड ब्रीथ को कम करता है। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का काम करता है और बालों को टूटने से रोकता है। उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है और बुढ़ापे को कम करने का काम करता है। उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये स्किन को मॉइस्चर भी करता है। अनार वजन घटाने में हेल्प करता है। अनार का रस 2 टाइम पीने से वज़न कम होता है, क्योंकि उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। वह पेट की चर्बी को घटाने में भी हेल्प करता है। अनार में फ्रुक्टोस होता है, उसके लिए डायबिटीज वाले लोग भी उसे खा सकते हैं। अनार से आर्टरी में सूजन कम होता है और ये एक नेचुरली एस्पिरिन का काम करता है। खून को पतला करता है, खून को जमने नहीं देता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता है। वो WBC भी बढ़ाता है और पाचन तंत्र को भी सुधारता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मात्रा में फाइबर रहता है। अनार किडनी की बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये यूरिन संबंधी बीमारियों में भी बहुत हेल्प करता है और पथरी तोड़ने का काम करता है। हृदय के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये हड्डियों के रोगों के लिए यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि अनार में विटामिन्स, मिनरल्स और साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अवेलेबल रहता है और बहुत सारी मात्रा में पोटेशियम भी रहता है। अनार कार्टिलेज को मजबूत बनाने का काम करता है और सूजन को कम करने का काम करता है। अनार प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकते हैं। ये माँ और बच्चों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। उसकी वजह से प्रेगनेंसी में आयरन की कमी कभी नहीं होती है। प्रेगनेंसी में अनार खाने से प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा भी टल जाता है। ये बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से करता है। 9 महीने में 9 अनार ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ अच्छी बनती है। अनार सुबह में खाली पेट खाने से ज़्यादा फायदा होता है, या फिर खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद खाना खाना चाहिए। अनार आंतड़ियों को मजबूत बनाता है और डायरिया में हेल्प करता है। ये बहुत ही अच्छा एपिटाइज़र है। खाने से याददाश्त बढ़ती है। एक अनार 100 बीमारियों का इलाज करता है। अनार से HIV का बैक्टीरिया भी मर जाता है। अनार वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है, खून को साफ करता है। जो लोगों को फोड़े, फुसिया और स्किन का एलर्जी है, उसको कम करने का काम करता है। पिंपल्स में भी ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पिंपल्स के ऊपर अनार का रस निकाल के उसको लगाने से पिंपल्स कम आते हैं। अनार के फूल, पत्ते और जड़े सभी बहुत ही उपयोगी है। अनार के छिलकों के भी बहुत सारे फायदे हैं। अनार दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और अनार खाने के बाद में पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से खांसी होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो लोगों को भी अनार नहीं लेना चाहिए। जिसको हाई BP का प्रॉब्लम रहता है, वो लोग अनार ले सकते हैं, लेकिन
जो लोग खून पतला करने का गोली खा रहे उसको अनार नहीं खाना चाहिए। अनार हमेशा पूरा खाना चाहिए, यानी कि एक अनार के जो भी दाने हैं वो सारे के सारे दाने एक ही व्यक्ति को खाने चाहिए, किसी को देना नहीं, क्योंकि पूरे अनार में एक दाना बहुत ही गुणकारी होता है। इसके लिए अनार हमेशा पूरा ही खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अनार खाने के बहुत सारे फ़ायदे बताए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।